नमस्कार, ये है टॉकिंग पॉइंट और इस शो के अंदर हम चर्चा करते हैं उन बिंदुओं पर जो उस हफ्ते की सबसे मुख्य खबरें हैं और साथ ही साथ हम चर्चा करते हैं उन टर्म्स पर, उन शब्दावलियों पर जो उस हफ्ते चर्चा में है। आइए देखते हैं कि इस हफ्ते की जो वित्तीय शब्दावली है वो क्या है। जी बिल्कुल, मौद्रिक नीति शब्दावली, मॉनेटरी पॉलिसी टर्म्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है एक बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए। अगर हम उस पर चर्चा करें और पहले देखें कि वो डिफरेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं, तो पहला है प्रत्यक्ष उपकरण, जो होता है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, एंड सेकेंड होता है आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट या फिर अप्रत्यक्ष उपकरण। अगर जो प्रेजेंट डेटा है उसकी बात कर ले तो CRR 4% पे है, SLR 21%, रीफाइनेंस फैसिलिटी, ये तीन जो है वो बनते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। इन पर चर्चा करेंगे हम आने वाले वीडियोज में। सेकेंड सेक्शन है वो है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें है आपके 4 से 5 इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 7% पर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट 6.5%, रिवर्स रेपो रेट 6% और बैंक रेट 7%। इस हफ्ते जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है पहले दो इसके अंग, जो है CRR और SLR। सबसे पहले CRR, अगर इसके एक पूर्ण रूप की बात करें तो वो है नकदी आरक्षण अनुपात या फिर कैश रिजर्व रेशियो। अगर डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, तो NDTL का वो हिस्सा जो एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक मेंटेन करता है RBI के साथ कैश में। मैं रिपीट करूंगा फिर से, NDTL का वो हिस्सा जो एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक मेंटेन करता है RBI के साथ कैश में, उसे हम कहते हैं CRR। सोच में आप पड़ गए होंगे कि सर ये NDTL क्या है। NDTL माने सेविंग डिपॉजिट्स, जिसमें रिकरिंग है, फिक्स है, आपकी तमाम डिपॉजिट सेविंग हो गया, रिकरिंग हो गया, फिक्स हो गया, मतलब चाहे वो डिमांड बेस्ड हो, फॉर एग्जांपल सेविंग या फिर करंट, या वो टाइम बेस्ड हो, मतलब फिक्स्ड या फिर रिकरिंग, इन सब का जो एक कुल सम है एक दिन के अंदर, उसे हम कहते हैं NDTL। तो उस सम में इसका जो एक हिस्सा होगा, उसे जब एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक मेंटेन करेगा RBI के साथ, उस अनुपात को हम कहते हैं CRR। वर्तमान में जो हिस्सा है, जो प्रतिशत जो मेंटेन होता है RBI के साथ, वो है 4% पर, और ये जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, अब ये क्या होते हैं, RBI अधिनियम 1934 के अनुसार सेक्शन 2E के अंतर्गत जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे सर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जी बिल्कुल, जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो सब के सब क्या हैं सर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और कुछ हद तक कुछ और बैंक्स भी हैं, पर जो भी बैंक हो और जो इस सेक्शन 2E के अंदर आता हो RBI अधिनियम के अंदर, उसे हम कहेंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो वही क्या मेंटेन करेंगे सर, CRR, पहली बात। दूसरी बात, इसकी ना तो कोई मिनिमम वैल्यू है और ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू है, वर्तमान में यह है सर आपका 4%। अगर ब्याज की बात करें तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता RBI, क्योंकि ये एक बैंक के भले के लिए है। वक्त आने पर इसी रिजर्व का इस्तेमाल RBI करेगा बैंक को बचाने के लिए। अगर इसके ये किस अधिनियम में मेंशन है, तो मैंने बता दिया आपको पहले भी, RBI एक्ट 934 सेक्शन 42(1) में इसका उल्लेख है, वहीं पर इसे परिभाषित किया गया है। सेकेंड जो पार्ट है वो है आपका SLR, जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सावधि तरलता अनुपात, जिसका एक परिभाषा जो है वो है NDTL का वो हिस्सा जो एक बैंक, देखिए अंतर आया, यहाँ हमने शेड्यूल कमर्शियल का एक यूज नहीं किया, तो NDTL का वो हिस्सा जो एक बैंक या कोई वित्तीय संस्थान मेंटेन करता है अपने साथ कैश में या लिक्विड असेट्स में, जिनमें आते हैं आपके गोल्ड आता है, बॉन्ड आता है, विदेशी करेंसीज आती हैं, उस अनुपात को हम कहते हैं सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यह एप्लीकेबल होगा सारे बैंक पर और सारे वित्तीय संस्थानों पर, इसकी कोई मिनिमम वैल्यू तो नहीं, पर CRR के उलट यहाँ जो एक मैक्सिमम वैल्यू है वो है सर 40%। और यहाँ जो डिफरेंस आया एक्ट का, वो भी आया कि वो अगर वहां एक्ट था आपका RBI एक्ट, तो यहाँ आपका एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24। चलिए, ये तो रही हमारी शब्दावली इस हफ्ते की। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं वो खबरें कौन सी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो है आप जो CPI के ऊपर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर होता है, वो है अब 5.77%, जो करीब 0.1% बढ़ गया है 5.76 से। WPI और CPI में अंतर यही है कि CPI बात करता है उपभोक्ता की, ग्राहक की, कि उसके हिसाब से जो भी तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो वस्तुएं हो या फिर सुविधाएं हो, उनमें कितना अंतर आया प्राइस का, उसे जो निकालता है, उसे जो एक मापता है, उसे कहते हैं CPI। तो CPI के बेस पर जो रिटेल इन्फ्लेशन है
जो जो महंगाई हम आप झेलते हैं वो है सर अब 5.77% पर। अगर बात करें आगे बढ़े WPI की, जो कि एक तरह से बात करता है होलसेल गुड्स की, तो वहां जो इन्फ्लेशन रेट है वो है अब 1.62%, पहले ये था 0.79%। रिपीट करूंगा, बहुत समय से नेगेटिव में था, फिर आया पॉजिटिव और अब ये हो गया है 1.62%। दोनों ही चीजों में एक एक समानता है कि दोनों ही में ही कुछ हद तक बढ़ देखी है। CPI में 0.1% और करीब 0.8% का गैप आप देख सकते हैं WPI के अंदर दोनों में। एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारी ब्रांचेस के अंदर हम डिस्कस करते हैं इन दोनों ही के बारे में विस्तार में। तो उम्मीद करूंगा कि आप महिंद्रा के एक स्टूडेंट हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं बैंक की एग्जाम तैयारी निकालना। दोनों के लिए ही जो CPI WPI का डेफिनेशन है, उनके तमाम जो अलग पहलू हैं उनको बिल्कुल पढ़ें, ताकि बेहतर ढंग से आप समझ पाएं ये डेटा कहता क्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली सुर्खी कौन सी है। जी बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश में इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकार वर्तमान में है उसे हटा दिया जाए, और उससे पहले की सरकार जिसे अनैतिक तरीके से वहां के गवर्नर ने हटाया था, एक सेशन बुलाकर उसे फिर से बनाया जाए, जिसके जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय वो थे नबाम टुकी। तो बीच में मतलब करीब 19 फरवरी से बने थे कली को पुल, पर अब जो बनेंगे वो है नबाम टुकी, जो पहले भी इनसे पहले भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि अरुणाचल प्रदेश न्यूज में है, तो कई बार एग्जाम में कंट्रोवर्सी नहीं पूछता, पर पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन से हैं, कैपिटल का नाम क्या है, प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है, और मुख्य तौर पर गवर्नर कौन है अरुणाचल प्रदेश के। इसी के साथ जो आखिरी खबर है वो ये रही कि सबसे ट्रांसपेरेंट, सबसे पारदर्शी कंपनी भारत में कौन है एक सर्वे के मुताबिक। तो अगर सर्वे की बात करें जो निकाला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, उसमें सबसे जो ट्रांसपेरेंट कंपनी है वो है भारतीय एयरटेल, जो करीब 7.3 रेटिंग के साथ शीर्ष पर है। सेकेंड पर जो क्लोज सेकेंड है वो है टाटा कम्युनिकेशंस, थर्ड पर महिंद्रा महिंद्रा, फोर्थ पर TCS, फिफ्थ पर TGBL, टाटा मोटर, टाटा स्टील, विप्रो, पेट्रोनास और टाटा केमिकल्स। मतलब 10 में से भारतीय एयरटेल टॉप पे जरूर है, पर जो टाटा की कंपनीज हैं, जो टाटा ग्रुप हैं, उनमें उनकी जो एक तादाद है वो काफी ज्यादा है। तो पारदर्शिता के तौर पर टाटा ग्रुप का कोई भी सानी नहीं है। इस सोच के साथ कि हम भी अपने जीवन में पारदर्शी बने, हम आपसे बता लेते हैं, उम्मीद करते हैं आप हमें सब्सक्राइब कर रहे होंगे हमारे YouTube चैनल पर। और हमारा सर एक ही मकसद है कि चाहे लाइफ में कोई भी स्टेज हो आपका, आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते रहें, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।